हाय गाइस, सो वेलकम टू अनदर डे इन उदयपुर. आज हम आए हैं यहाँ पर सज्जनगढ़ फोर्ट एंड लुक एट द व्यू. यहाँ से पूरा उदयपुर दिख रहा है. सज्जनगढ़ फोर्ट ऑल्सो नोन एज मॉनसून पैलेस, ये महाराणा सज्जन सिंह जी ने बनवाया था, बट उनकी अर्ली डेथ के कारण वो इसे पूरा नहीं कर पाए थे. तो फिर उनके उत्तराधिकारी जो उनके बेटे थे महाराणा फतेह सिंह जी ने इसे पूरा किया था. यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक साइड लेक पिचोला और एक साइड फतेह सागर लेक दिख रही है, एंड द ओवरऑल व्यू फ्रॉम दिस पैलेस इज जस्ट ब्रेथ टेकिंग. नाउ विल एंटर मॉनसून पैलेस एंड देखते हैं कि अंदर क्या है. सो जैसे ही आप मॉनसून पैलेस एंटर करेंगे, आप यहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ रिलेटेड स्कल्पचर्स देखेंगे, जैसे कि इंडियन रॉक पाइथन, चीता एंड ऑल दिस रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ. एंड एक चीज़ जो इस पैलेस के बारे में मुझे सबसे अच्छी लगी, वो थे यहाँ से जो आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं, वो बहुत ही सुंदर हैं. चारों ओर से ये पैलेस खुला हुआ है, तो चारों साइड आपको व्यूज़ मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट, एंड हर जगह से इतना सुंदर व्यू था. एक साइड से हिल का, एक साइड से उदयपुर सिटी का, लेक्स का, एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड मैजिकल. एंड देन वी वेंट टू द अदर साइड ऑफ द पैलेस, जहाँ से आपको पैलेस का व्यू दिख रहा था. एंड यहाँ पर इतने सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं. इफ़ यू आर समवन लाइक मी, जिसे पिक्चर्स क्लिक कराना काफ़ी पसंद है, इंस्टाग्राम पे अपलोड करना काफ़ी पसंद है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ आप अपनी पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं विद द व्यू, बिकॉज यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है. एंड आफ्टर सज्जनगढ़ फोर्ट वी वेंट टू करणी माता टेम्पल. यहाँ पर हम 31st को गए थे, एंड यहाँ का रोपवे का टिकट है 117 rupees पर पर्सन. यहाँ पर हमें 3 hours वेट करने के बाद हमारा फाइनली नंबर आ गया था, जहाँ से हम रोपवे से करणी माता टेम्पल के मंदिर जा सके. एंड आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग वी फाइनली मेड इट टू द रोपवे. यहाँ पर आपको टोकन सिस्टम है, जब आपको टिकट देंगे तो उसके साथ आपको एक टोकन भी देंगे, तो जैसे ही वो स्क्रीन पर आता है आपका तभी नंबर आएगा. एंड यहाँ पर न्यू ईयर के टाइम हम गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा रश था, अदरवाइज इतना रश नहीं रहता होगा, इतना टाइम नहीं लगता होगा. एंड इट वॉज़ अ फर्स्ट टाइम कि हम रोपवे में बैठे थे. आई वॉज रियली एक्साइटेड बिकॉज मैं कभी नहीं बैठी थी, एंड द व्यू फ्रॉम रोपवे वॉज जस्ट अमेजिंग, क्योंकि यहाँ से पूरा उदयपुर दिख रहा था. यहाँ से लेक, सिटी पैलेस, जो जो हम सब घूम चुके थे, हम वो सब देख रहे थे रोपवे में बैठ के. एंड इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. एंड रोपवे से उतरने के बाद 2-3 minutes का वॉकिंग डिस्टेंस लेकर आप पहुंच जाएंगे करणी माता के मंदिर. और इस रास्ते के बीच में आप बहुत सुंदर व्यू एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज ये अगेन फेमस है व्यू के लिए. इसे बोला जाता है कि यहाँ से 360 व्यू दिखता है उदयपुर सिटी का. एंड आई थिंक उदयपुर इज़ जस्ट अबाउट व्यूज़, हर जगह से आपको इतने सुंदर सुंदर व्यू दिखेंगे. एंड क्लाइंबर पर इतना जस्टिस नहीं कर रहा था, बट आँखों से देखने में इतना सुंदर लग रहा था. ये लेक्स के बीच में बोट चल रही थी, वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, जो कैमरे पे बिल्कुल भी अच्छे से कैप्चर नहीं हुई है. एंड अब चलने के बाद हम आ गए हैं करणी माता टेम्पल, तो हम यहाँ चप्पल वगैरह उतार के मंदिर के दर्शन करते हैं. तो ये है करणी माता, और ये मंदिर 400 साल पुराना है एंड बहुत सुंदर है. माता के दर्शन करने के बाद हम थोड़ी देर मंदिर के बाहर ही बैठे रहे, क्योंकि वहाँ पे हमको बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी पॉजिटिविटी फील हो रही थी. एंड वहाँ से बैठकर हमने ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा एंजॉय किया, एंड देन हम चले गए यहाँ से दूसरी जगह. अरण्य विलास, हमको जाना था बागोर की हवेली, जहाँ पे फोक डांस एंड म्यूजिक होता है, बट वहाँ पे आज 31st है तो सब चीज़ बुक है. तो हम यहाँ आए हैं अरण्य विलास में, जहाँ पे 150 पर पर्सन है कॉस्ट, और आप यहाँ पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर बागोर की हवेली में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर रिकॉर्ड करना है तो उसका 150 का अलग चार्ज देना होगा. सो अभी मैं जाके अंदर, 6 बजे का शो मिला है हमको, और हम अंदर जाके रिकॉर्ड करेंगे कि कैसा है, और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है रिकॉर्ड करने के. तो हम अंदर जाएंगे, देन मैं आपको दिखाऊंगी ये सब. अर्थात बाहर से आने वाले मेहमानों को, अतिथियों को हम मेवाड़वासी देवता समान मानते हैं और देवता समान समझते हैं. यथोचित उनका आदर सत्कार सम्मान किसी न किसी रूप से अवश्य.
और उसके बाद हम गए द फेमस जगदीश टेम्पल। That's how we ended the last day of the year. Thank you for watching.